इन वोकल हाउ मच लो एंड शुड बी देयर फॉर मेल वोकल्स इसका आंसर आपके सॉन्ग पे डिपेंड करेगा जैसे तरुण मान लो मैं एक सॉन्ग कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ एक खुस्टिक गिटार प्ले हो रहा है और एक वोकल प्ले हो रहा है राइट इट्स अ वेरी इंटीमेट परफॉर्मेंस कोई सिंगर सॉन्ग राइटर है वो परफॉर्म कर रहा है तो उसके इसमें क्या रहेगा आई हैव वेरी लेस एलिमेंट टू डील विद एंड मेरे पास बहुत स्कोप है उनमें खेलने के लिए राइट और मुझे वो जो परफॉर्मेंस है वो ऐसे साउंड करवानी है कि लार्जर देन लाइफ उसकी वाई बाय तो मैं क्या करूँगा मैं वोकल्स में जो लो एंड है उसको इस तरीके से मैनेज करूँगा सो दैट वोकल्स बहुत ग्रैंड साउंड करें लेकिन एक ऐसा ट्रैक है जिसमें वोकल्स भी हैं फिर डिस्टॉटड गिटार्स हैं बहुत सारे ड्रम्स हैं और उसके बाद सिंथ भी चल रहे हैं काफ़ी सारी हारमनी लेयर्स भी हैं वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप लार्जर दैन लाइफ इमेज नहीं क्रिएट करोगे वोकल्स की डेफिनेटली यू विल डू बट यू विल रिलाई मोर ऑन यू नो डेप्थ वाले इफ़ेक्ट्स जैसे कि डीलेज एंड रिवर्ब्स देन दी यू नो लोज ऑफ़ दी वोकल्स क्योंकि आपको बेस गिटार भी सुनवाना है कुश्ती गिटार्स भी सुनवाने हैं तो कितना लो चाहिए वोकल में वो आपका गाना खुद ही आपको बता देगा देखो वोकल में सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था आप एडिटिंग कर लो राइट जहाँ पे भी सिंगर नहीं गा रहा है उस सेक्शन को तो आप पहले चॉप आउट कर लो राइट मैं डिसेबल कर लेता हूँ मैं एबल में वैसे भी जाता नहीं अगर आप डिलीट भी कर दो ना तो यू कैन एनी टाइम एक्सपेंड इट एंड इट विल कम बैक आप उस सेक्शन को हटा दो जो सेक्शन नहीं चाहिए पहली बात तो वो सेकेंड यू विल फाइंड प्लेस वेयर यू कैन सी स्पाइक्स इन वॉल्यूम वो विजुअली हमें दिख जा रहा है राइट right? तो हम उसको भी ट्रीट कर सकते हैं राइट right? यहाँ पे बहुत लाउड उसने गाया व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर वर्ड एंड यू नो उसे आप क्लिप करके उसका जो सोर्स लेवल है वो कंट्रोल कर लो सो दैट इट शुड नॉट बी दैट लाउड सुन के देख लो कि उसका एनर्जी ना ख़त्म हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है एक सेक्शन डूब कर लेना है जो कि लाउडेस्ट सेक्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से जब भी यूज करो तो कोरस वाला सेक्शन यूज करो स्टार्ट लिस्टिंग दैट सेक्शन प्रो क्यू ले लिया यहाँ पे सुनते सुनते आगे राइट यहाँ पे मुझे सुनना शुरू हो गया वो राइट एंड यू ऑल नो कि अगर हेडफोन में क्लिक करके रखता हूँ तो मुझे वो सेक्शन सुनाई दे रहा है जो कट रहा है यहाँ पे आपको लो फ्रिक्वेंसी के बर्स्ट सुनेंगे जो कि जनरली जब आप डायनेमिक माइक्रोफोन यूज करते हो उसमें ज़्यादा सुनाई देते हैं उसको आपने कट डाउन कर लेना है राइट ऑन ऑफ करके सुनो कितना लॉस हो रहा है बॉडी का इतना हो गया उसका जो फालतू का रंबल है वो क्लीन अप हो चुका है अब आपने क्या करना है अपने फंडामेंटल को सुनना है एक और बैंड क्रिएट करूंगा एंड आई ट्राई टू लिसन टू दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी So this is the place जहां पे उसका लोएस्ट आ रहा है अभी के लिए तो आपने उस लोएस्ट फंडामेंटल को हल्का सा टेम डाउन करना है लेकिन वो टेम डाउन ऐसे नहीं करना है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ सिर्फ वोकल सुन के आपने पूरे मिक्स को सुनना है oh, she loves, she cares, तो अभी जो भी गेन स्ट्रक्चर चल रहा है उसके हिसाब से पहले तो मेरा वोकल का वॉल्यूम ही बहुत कम है तो मैं अभी वो डिसीजन नहीं ले पाऊंगा बट इन एन आइडियल मिक्सिंग वहाँ पे आप पहले ही बाकी एलिमेंट्स को टेम कर चुके होंगे तो वहां पे एबल टू बेटर तो सबके साथ सुनते हुए आपने उस lowest fundamental को थोड़ा सा टेम करने की कोशिश करनी है, ऐसा ना लगे कि वोकल कल के टाइप साउंड कर रहे हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अगर आप इस तरह के सेशन करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है उसे फिल करके आप अपने हंड्रेड परसेंट इस चीज से वो कंट्रोल हो जाएगा बॉडी नहीं किल करनी है फंडामेंटल को थोड़ा सा कंट्रोल करना है उसके बाद आप ऑब्वियसली जो भी डायनेमिक चेंजेस कंट्रोल करना चाहते हो कंप्रेशन से कर सकते हो जो भी टोनल चेंजेस करना चाहते हो वी से कर सकते हो एंड जो भी आपने डेप्थ क्रिएट करनी है पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हो रिवर्ब्स डिलेज बट लो फ्रिकुवेंसी आप इस तरह से मैनेज करोगे एंड कैरे के टाइप जब वोकल सुनता है तो वो लो फ्रिकुनसीज़ ही होती हैं जो कल्परेट होती हैं तो यू हैव टू कंट्रोल दोज लो फ्रिकुवेंसी एरियाज़